हाँ जी बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट्स पर, जिसमें निकाली जाएगी पॉलिसी अमाउंट, कि पॉलिसी अमाउंट ट्रेडर कितना ले। उस पर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। मैसर्स प्लेटिनियम ज्वेलर्स वांट्स टू टेक अप ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। द एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 दिसंबर इज प्री प्रोवाइडेड बिलो। वो कह रहा है वेरिएबल एक्सपेंसेस में, कह रहा है कॉस्ट ऑफ मेटीरियल्स 18,60,000, इंटरेस्ट इनकम कह रहा है 44,000, नेट प्रॉफिट कह रहा है 66,72,000, फिक्स्ड एक्सपेंसेस कह रहा है वेजेस फॉर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन, सैलरीज, ऑडिट फीस, रेंट और बैंक चार्जेस। हाँ जी, आगे क्या कह रहा है। टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25% नेक्स्ट ईयर। टू मीट द ग्रोइंग वर्किंग कैपिटल नीड्स द पार्टनर हैव डिसाइडेड टू अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज फ्रॉम द देयर बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इंटरेस्ट। द एवरेज डेली ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बी अराउंड 2 लैक्स। 2 लाख रुपए निकले रहेंगे, 2 लाख पूरे साल निकले रहेंगे, तो 2 लाख का 15%, 12% कितना हो गया 24,000 रुपए। ये नेक्स्ट ईयर में 24,000 रुपए देंगे, ये खर्चा है। अच्छा, वेजेस फॉर स्किल्ड क्राफ्ट्समैन विल इंक्रीज बाय 20%, सैलरी बाय 10% इन द करंट ईयर। ऑल द अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन सेम, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन। हाँ जी, इसमें क्या क्या बात कह रहा है। एक तो यहाँ पर वेजेस के बारे में कह रहा है कि वेजेस जो है स्किल्ड लेबर की वो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पर 20% से। आगे कह रहा है कि सैलरी भी बढ़ जाएगी करंट ईयर में 10% से। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन किसे करवाना है आपको, मैं लिख रहा हूं इंफॉर्मेशन जो जो दे रखी है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट ईयर। हाँ जी, ऊपर से पढ़ते हैं तो क्या कह रहा है। लॉस ऑफ पॉलिसी लेना चाह रहा है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेना चाह रहा है ट्रेडर फर्म, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स है 18,60,000 टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल 18,60,000। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट इनकम 44,000, थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे बाई इंटरेस्ट इनकम। हाँ जी, उसके बाद क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट 6,72,000 टू नेट प्रॉफिट 6,72,000। आगे कह रहा है फिक्स्ड एक्सपेंसेस में, कह रहा है वेजेस, तो वेजेस तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, यहां लिखूंगा टू वेजेस 1,60,000। सैलरी P&L अकाउंट 2,80,000। ऑडिट फीस 40,000। टू रेंट 64,000।
टू बैंक चार्जेस. आगे कह रहा है वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए ओडी ले रहे हैं 12% पर एनम के हिसाब से, 2 लाख रुपए निकला रहेगा वो पैसा हर महीने. 2 लाख की ओडी ली है और 12% पर एनम के हिसाब से उन्हें क्या देना है, इंटरेस्ट क्या देना है, 24,000 रुपये. और क्या कह रहा है, वेजेस बढ़ जाएगी कितने से, 20% से. ये वाली वेजेस बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर में 20%, और सैलरी भी बढ़ जाएगी 10%. लो बेटा, क्वेश्चन मैंने सारा का सारा यहाँ लिख दिया है. अब आपको करवाना है क्वेश्चन कैसे होना है. ढांचा मैंने तैयार कर लिया है, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी लिख दी. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी. टू बी टेकन बाय फर्म. हाँ जी बताएं जरा कैसे कैसे होना ये क्वेश्चन. देखो बेटा, पहले बैलेंस निकाल लें उसके बाद बातें करते हैं. तो नेट प्रॉफिट है 6,72,000 प्लस 18,000 प्लस 64,000 प्लस 40,000 प्लस 2,80,000, ये आया 10,74,000. 10,74,000 माइनस 44,000 ये आया बाय जीपी 10,30,000. 2 GP 10,30,000 यहां पे लिखूंगा बाय सेल्स. 10,30,000 प्लस 1,60,000 प्लस 18,60,000 ये आया सेल आ गई आपकी 30,50,000. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में एक रुकावट हमारे लिए लगा दी. पहले बताइए स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स चार्जेस कौन कौन से हैं. क्या सैलरी फिक्स चार्ज है? हाँ सैलरी फिक्स चार्ज है. ऑडिट फीस फिक्स चार्ज में आती है. सब इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो फिक्स चार्ज के नाम से ही दे रखी है, वेजेस भी. लेकिन क्वेश्चन ने एक रेस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर क्या लगा दी, उसने कह दिया वेजेस अगले साल 20% बढ़ जाएगी. आप कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट. सोचो बेटा, एक क्लाइंट आया आपके पास और क्लाइंट ने पिछले साल की इंफॉर्मेशन ये दे दी, और वो क्या कह रहा है, मुझे पॉलिसी लेनी है साहब, अगर आग लग गई तो मुझे पॉलिसी लेनी है, अगर आग लग जाए तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दे, तो कितने का इंश्योरेंस पॉलिसी लूं मैं. तो आप क्या कहेंगे, आप बताएं नेट प्रॉफिट कितना, 6,72,000. 6,72,000 नेट प्रॉफिट है. बैंक चार्जेस क्या इंश्योर्ड करवाने हैं, क्या आपको सीए ने पूछा, आपने पूछा क्लाइंट से क्या ये बैंक चार्जेस आपको इंश्योर्ड करवाने हैं, वो बोला कि ये इंश्योर्ड का क्या चक्कर है. वो बोला ये जो पैसे हैं ये सारे के सारे, ये जो पैसे हैं और ये जो ऊपर वेजेस है, ये जो खर्चे हैं, खर्चे देने के बाद आपके प्रॉफिट में कितना आ रहा है जेब में, 6,72,000 रुपए. जब बिजनेस में आग लग जाएगी तो क्या ये खर्चे आप रिकवर कर पाएंगे. बोला नहीं साहब, ये तो आप सही कह रहे हैं, मैं ना तो सैलरी के दे पाऊंगा जब आग लग जाएगी, ऑडिट फीस भी कहां से आएगी,
रेंट तो जेब से ही जाएगा और बैंक चार्जेस सब चार्जेस जेब से ही जाएंगे और वेजेस के भी, स्किल्ड लेबर के भी। तो बोले साहब ये अब इंश्योर पॉलिसी क्या होती है कि 18,000 रुपये क्या आपको इंश्योर करवाने? बोला हाँ जी करवाने, बैंक चार्जेस भी करवाने, मुझे रेंट भी करवाना, ऑडिट फीस भी, सैलरी भी, यानी ये जो मेरा लॉस हो रहा है ये सारा का सारा मुझे क्या करवाना है, इंश्योर करवाना है। ये जो खर्चे हो रहे हैं ये भी मुझे इंश्योर करवाने हैं, तो ये प्लस कर देता हूँ, मैं प्लस कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर उसने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि वेजेस 20% से बढ़ जाएगी, सैलरी 10% से बढ़ जाएगी, ये दो रेस्ट्रिक्शन लगा दी। तो मुझे सेल्स से चल लूं, मैं सेल से भी जीपी रेशो जीपी निकल सकता है। हाँ सर सेल से भी जीपी निकल जाएगा, तो सेल्स ले लूं, ये आसान रहेगा कि मैं सेल्स को लेते हुए क्वेश्चन करूं। सेल्स में से सेल कितनी बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर में? क्वेश्चन कह रहा है कि सेल बढ़ जाएगी 25% से। क्वेश्चन कह रहा है सेल्स विल इंक्रीज बाय 25%। सेल बढ़ जाएगी 25% से, बढ़ी हुई सेल में से कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जब सेल बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ जाएंगे वेरिएबल, वो माइनस कर दूंगा। वेजेस जो है वो माइनस कर दूंगा मैं, बढ़ी हुई वेजेस 120% वो माइनस कर दूंगा। तो किस पे आ जाऊंगा? ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाऊंगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाऊंगा। आप बताइए आगे कैसे चलना चाहिए। सैलरी मैं लिख चुका हूं, 2,80,000 की पॉलिसी हो गई है, 40,000 अपने आप इंक्लूड हो गए हैं, 64,000 अपने आप इंक्लूड हो गए हैं, 18,000 अपने आप इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। और 10% सैलरी बढ़ेगी तो 10% की कॉस्ट ले लूंगा और एक बैंक ओवरड्राफ्ट के खर्चा ले लूंगा जो फ्यूचर में होना 25,000 24,000 रुपये का। तो ऐसे मेरा आंसर आ जाएगा, वो सिंपल रहेगा। देखें जरा मैंने कैसे कैसे किया। मैं लिखूंगा सेल्स 30,50,000। अब ये 25% से बढ़ रही है तो 125% कर दूं, 30,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। अब मेरी सेल होगी नेक्स्ट ईयर में 38,000, 38,12,500। इसमें से लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 18,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.25% इसमें भी करूंगा क्योंकि खर्चे भी मेरे बढ़ जाएंगे। यह आया 23,25,000। लेस करूंगा वेजेस, लेस करूंगा वेजेस, हाँ जी वेजेस कितनी लिखूंगा? 1,60,000 का 1.20 या परसेंटेज में 120%, 1,60,000 का 1.2 या बेटा 1,92,000। ये दोनों चीजें लेस होंगी तो 38,12,500 माइनस 23,25,000 माइनस 1,92,000 मेरे नेक्स्ट ईयर की जो जीपी आएगी वो आएगी 12,95,500। ये हो गई एडजस्टेड जीपी। हाँ जी बेटा सैलरी जो है वो मैं प्लस करूंगा क्योंकि इंश्योर्ड जो करवाएगा वो नेक्स्ट ईयर को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट करवा रहा है आपका, क्लाइंट इंश्योरेंस जो करवाएगा वो नेक्स्ट ईयर को ध्यान में रखते हुए करवाएगा। सैलरी 10% से बढ़ जाएगी तो 2,80,000 तो पहले से ही इसमें इंक्लूड है खर्चे। भाई उसका लॉस जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? एक तो 6,72,000 रुपये जा रहे हैं, 6,72,000 रुपये का तो प्रॉफिट, और पैसे का ना आना भी पैसे का जाना होता है, तो कौन कौन से पैसे नहीं आएंगे इसके पास? 2,80,000 प्लस 40,000 प्लस 64,000 प्लस 18,000, तो कुल जो है 10,74,000 रुपये का नुकसान हो रहा है बेटा उसे आग लगने की वजह से जो वो इंश्योर्ड करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो 10,74,000 में अब बताएं बेटा जरा मेरे क्वेश्चन
का आंसर। 10 लाख ₹74,000 में क्या सैलरी इंक्लूडेड है इसमें? हाँ इंक्लूडेड है। क्या ऑडिट फीस इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है। और क्या चीज है, रेंट इंक्लूड है इसमें? हाँ जी इंक्लूडेड है। और बैंक चार्जेस इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब 12,95,500 जो नेट जीपी आया नेक्स्ट ईयर का, उसके अंदर ये सब इंक्लूड है। तो अब जो इंक्लूड नहीं है वो और इंक्लूड कर दो। सैलरी, सैलरी कितनी 10% इंक्रीज हो रही है, तो प्लस करूंगा सैलरी। ₹280,000 का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 10%, ₹28,000। एक फ्यूचर में बैंक ओडी और होना है मेरा, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी कितना, ₹24,000। हाँ भाई हाँ, तो कितना आया 12,95,500 प्लस 28,000 प्लस 24,000, ये आया 13,47,500। इतने की इंश्योरेंस पॉलिसी वो लेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी टू बी टेकन बाय फर्म। हाँ जी ये आ रहा 13,47,500। ये क्वेश्चन इस हिसाब से होना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। धन्यवाद।